फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही ज्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हाइपर पिगमेंटेशन। तो फ्रेंड्स आज मैं एक ऐसा DIY बताऊंगी, होम रेमेडी पैक जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये रिड्यूस करेगा आपके हाइपर पिगमेंटेशन को, मेलेस्मा के प्रॉब्लम को, फ्रेकल स्किन को ये सॉल्व आउट करता है और साथ में आपको देगा बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग स्किन। तो फ्रेंड्स आज मैं जो पैक बताऊंगी वो ऐसा पैक है, इसे आप रोज अप्लाई कर सकते हैं या एवरी ऑल्टरनेट डेज। तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा बिल्कुल साफ होने लगा है, क्लियर होने लगा है, बहुत ज्यादा ग्लोइंग टेक्सचर होने लगा है। चलिए फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें लगेगा 1 टेबलस्पून के बराबर दही लेना है और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी लेमन जूस। डालने वाली हूँ शुगर पाउडर, तो चीनी यानी शक्कर को आप अच्छे से पीस लीजिएगा। तो ये मैं डालूंगी 1/2 टेबलस्पून के बराबर। साथ में इसमें ऐड करना है हनी अराउंड 1 टीस्पून के बराबर। इसे हम अच्छे से मिक्स करके ऑल ओवर द फेस अप्लाई करना है फ्रेंड्स, और इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स दही में होता है लैक्टिक एसिड, कैल्शियम होता है, साथ में जिंक होता है। ये बहुत ही अच्छा क्योर करता है आपके स्किन के सारे प्रॉब्लम को, नेचुरल क्लींजर का काम करता है, एक्सफोलिएट करता है, डार्क स्पॉट ब्लेमिशेस दाग धब्बे को रिमूव करके देता है, बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस लुक और स्मूथ एंड सफल बनाता है स्किन को। तो ये सारा मैंने अच्छे से फेस पे लगा लिया। आप इसे मसाज करेंगे एटलीस्ट 7 मिनट्स के लिए, बिल्कुल जेंटल हाथों से करना है आपको। तो फ्रेंड्स इसमें हमने लिया है शुगर पाउडर जो एक्सफोलिएट करेगा आपके स्किन को, क्लीन करेगा, इम्प्यूरिटीज को रिमूव करेगा, एक्सफोलिएट करेगा। साथ में जो हमने लिया है हनी वो आपके चेहरे को ब्राइटन करेगा, लाइट करेगा, साथ में जो दाग धब्बे हैं वो रिमूव करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है तो जो फाइन लाइन्स है उसे ये रिड्यूस करेगा। और इसमें जो हमने लेमन लिया है वो उसमें होता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है जो आपके दाग धब्बे को रिमूव करता है, लाइटन करता है, स्किन को करता है ब्राइट। मैंने मसाज कर लिया है और फ्रेंड्स हमें इसका जो है दोबारा से हम इसका थोड़ा सा स्क्रबिंग करेंगे, उसकी टेक्निक भी थोड़ा सा डिफरेंट है। स्क्रबिंग करेंगे हम इसी को, तो इसके लिए मैं लूंगी शुगर पाउडर और साथ में जो हमने लेमन कट किया था उसे ही हम लेंगे। इस तरह से इसे डिप करते हुए अपने फेस को 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे स्क्रबिंग करने के बाद मैं वेट टॉवल से पोंछ लूंगी, अपने फेस को क्लीन कर लेना है। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे जो हमारा होगा फेस पैक। ये है पोटैटो का जूस यानी आलू का रस है, आपको आलू को ग्रेट कर लेना है और शेप कर लेना, उसमें से रस निकाल लेना है। तो ये आलू का रस जो होता है दाग धब्बे और झाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसे हम ऐड करेंगे और साथ में 1 टीस्पून के बराबर सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन का पाउडर, 1 टीस्पून के बराबर मैंने राइस फ्लावर लिया है, चावल का आटा। तो ये सारे आपके लाइटन करेगा, स्किन को स्मूथ बनाएगा, सॉफ्ट एंड सफल बनाएगा। मैं ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी वो भी 1 टीस्पून के बराबर यानी फुलर्स अर्थ, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा पैक बनकर रेडी है, आप इसे अप्लाई कर लेते हैं और इसे बस 80% हम सूखने के बाद नॉर्मल फेस वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स ये ड्राई हो चुका है और इसे नॉर्मल वॉश कर लेंगे अब हम। तो फ्रेंड्स मैंने नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया था और सिंपल मैंने अप्लाई किया है एलोवेरा, और चाहे तो आप एलोवेरा या कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि जो हम पैक लगाते हैं बहुत ज्यादा खिंचा खिंचा स्किन होता है तो ये नहीं होगा। तो कोई भी माइल्ड सा मॉइस्चराइजर आप यूज कीजिएगा, मैंने एलोवेरा लगाया है, सिरम जो मैंने खुद बनाया था वो अप्लाई किया है, तो इससे और भी ज्यादा आपका स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ होगा। और इसे अप्लाई करना है रात में स्पेशली, तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।